समाजवादी पार्टी में बगावत लगातार बढ़ती ही जा रही है। शिवपाल सिंह यादव व आजम खां के बाद अब राज्यसभा सदस्य कुंवर रेवती रमन सिंह भी अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं। उनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी में अब मुलायम सिंह यादव के दौर के किसी भी नेता को पूछा नहीं जा रहा। पार्टी के किसी भी फैसले को अखिलेश यादव अकेले ही ले रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए ठीक नहीं। इलाहाबाद से लोकसभा सदस्य रहे कुंवर रेवती रमन सिंह प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। कुंवर रेवती रमन सिंह राज्यसभा का टिकट न मिलने से नाराज हैं। वो अपने समर्थकों से बात करने के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में कोई फैसला लेंगे। वो अभी तो समाजवादी पार्टी में हैं और सही समय आने पर उचित निर्णय लेंगे। राज्यसभा सदस्य रहे कुंवर रेवती रमन सिंह ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे वादा किया था कि उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन बिना उनसे बातचीत किए सीधा फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे टिकट नहीं देना था तो पार्टी के ही किसी नेता को राज्यसभा भेजते, लेकिन अखिलेश यादव का कपिल सिब्बल को टिकट देना किसी के भी गले नहीं उतर रहा। रेवती रमन सिंह ने कहा कि पार्टी में अब मुलायम सिंह यादव का दौर नहीं रहा, वो होते तो पार्टी की स्थिति नहीं होती। ये दिख रहा है अखिलेश यादव ने नई सपा तैयार कर ली है। पिछले चुनावों के नतीजे सामने हैं। अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि आखिरकार उनसे कहां गलती हो रही है। उनको हार की समीक्षा करनी चाहिए कि ऐसा किन कारणों से हो रहा है। वैसे सपा में शिवपाल सिंह यादव और आजम खां पहले से ही अखिलेश यादव से नाराज बताए जाते हैं। अब तो रेवती रमन सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। रेवती रमन सिंह ने अपनी जगह पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजे जाने के बाद खुलकर अखिलेश यादव के फैसले पर सवाल उठाया।